10 साल का फिर एक ऐसा काल आ गया वो चीजें फिर उसके अंदर आ गई। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राजनीतिक क्षेत्र को शुद्ध करना यह सबसे पहली प्राथमिकता है। आपको ध्यान में होगा नरेंद्र भाई मोदी ने इंटरव्यू में कहा था, खट्टर साहब आप हर किस्म के लोग ले रहे हो, आप कैसे शुद्धिकरण करेंगे या उनका शुद्धिकरण करेंगे या आप वैसे हो जाएंगे? नहीं, दिशा बदलेंगे, हम शुद्धिकरण करेंगे, हम टोटल दिशा बदलेंगे। और दिशा बदलने के दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। किसी देश के प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं इस देश के इसका खजाने का रखवाला हूं और रखवाले में किसी का पंजा इसको पढ़ने नहीं दूंगा। एक वाक्य उन्होंने बोला आपको ध्यान में होगा, न खाऊंगा, देश ने सुनी सुनी वाक्य विश्वास किया है, न खाऊंगा, अभी तक तो विश्वास किया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी इतना बड़ा वाक्य प्रधानमंत्री ने कहा। हाँ, लेकिन हरियाणा में तो कोई दूसरी स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है, हरियाणा में अभय चौटाला जो अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं सार्वजनिक मंच पर यह आरोप लगा रहे हैं बाकायदा रामविलास शर्मा जी का नाम लेकर कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बेची थी, अब 90 हैं और रामविलास शर्मा 90 सीटें बेचेंगे। इतना बड़ा नेता बिना प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर वो ऐसा वो ये कह रहे हैं, अगर वो ऐसा आरोप लगाते हैं सिद्ध कर देंगे तो पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है निश्चित रूप से इसका एक्शन लेगी। अगर भरोसा है तो आप अभय चौटाला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, ये जनता में जाएगी कार्रवाई, जनता का दल जो चुनाव होता है चुनाव में सारी दल नहीं लग क्यों रहे हैं इस तरह के आरोप? लोकसभा में भी इस तरह की कुछ बात सामने आई थी, मैं तो पार्टी दफ्तर के बाहर कुछ प्रदर्शन भी मैं हुए तो कह रहा हूं, मैं क्यों तो, ऐसे आरोप लग तो रहे हैं? और कुछ लोग ये भी कहते मिले करनाल साहब, ये जहां से खट्टर साहब उम्मीदवार होने वाले हैं वहां खुद विजय संकल्प यात्रा के दौरान इनके समर्थक गुट दूसरे उम्मीदवारों के समर्थन में किसी का कोई समर्थक गुण नहीं था। वो भी घटना मैं आपको बताता हूँ। रथ यात्रा, क्योंकि मुझे पूरे उस रथ यात्रा करनाल से आप चाह रहे हैं खट्टर साहब, सुनिए ना, उस रथ यात्रा में कालका से समालका की जो हमारी यात्रा थी उसमें 5 लोगों में जो नाम था, एक नाम मेरा भी था और मैं भी उस यात्रा में 7 में से 5 दिन चला हूँ। 2 दिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं गया, मेरे कुछ कार्यक्रम थे अलग। 5 दिन तो पहले से चल रही है आपकी करनाल में? नहीं, मेरी कोई मीटिंग नहीं। देखिए, पार्टी ने जब मुझे ये कहा चाय पर चर्चा के दौरान है, जो मैं बता रहा हूँ, पार्टी ने जब ये कहा कि आपको इस बार चुनाव में जाना पड़ सकता है, ये पार्टी की ओर से मुझे संकेत दिया गया और आपको कुछ जगह पर अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं प्राय 5-7 स्थानों के ऊपर आना जाना मेरा बना है। अब 5-7 स्थानों पर आना जाना बना है तो कार्यकर्ताओं के रूप में जाना भी होगा, चाय भी पी जाएगी, परिचय भी होगा, परिचय पर्याप्त से पहले करनाल नहीं, करनाल में या रोहतक भी रही है, फरीदाबाद रही है। रोहतक में तो कहते हैं आप कभी हाजिरी नहीं लगाते, रोहतक के लोग? नहीं नहीं, रोहतक मेरा जितना जाना रोहतक में रहा है, जो इस क्योंकि स्वाभाविक रूप से मेरी पढ़ाई लिखाई रोहतक हुई और मेरा जन्म रोहतक जिले का है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, वो तो ठीक है, बदल नहीं सकते। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे माता पिता वहाँ रहते थे, उस दौरान मेरा रोहतक में आना जाना था। बाकी मेरा जितना भी हरियाणा में देश भर में जितना मेरा घूमना आना जाना हुआ 34 साल के अंदर कम से कम 12-13 स्थानों के ऊपर, कभी 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, 12-13 स्थानों पर मेरा हेडक्वार्टर है। मेरा करनाल में भी हेडक्वार्टर रहा, मेरा रोहतक में भी रहा, मेरा यमुनानगर में रहा, फरीदाबाद में मेरा हेडक्वार्टर रहा। इस नाते से हम संघ के प्रचारों के नाते अलग अलग स्थानों पर जाते आते रहे। खट्टर साहब की क्या इच्छा है? खट्टर साहब की क्या इच्छा है? राजनीति को कहीं से भी लड़वा दे, या आपने भी कोई अपनी चॉइस दी है कि ये मेरे लिए ज्यादा सेफ होगा? चॉइस में से एक है करनाल, क्या उसमें पार्टी की योजना, इशारा राजन बार बार पार्टी की योजना में है। करनाल भी है, रोहतक भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, 5-7 स्थानों में से जो मुझे निर्देश देंगे उसमें मैं जाऊंगा। अच्छा, 5 में से आपको सबसे ज्यादा सूट कौन सी? मुझे हरियाणा की किसी सीट पर कहा जाएगा, चुनावी सियासत में नहीं नहीं, मेरी व्यक्तिगत आंकड़े देखने पड़ेंगे, मेरी व्यक्ति आपको समर्थक देखने पड़े, जहां तक आंकड़ों का विषय है, इन आंकड़ों की राजनीति को बदलने का हमारा कार्यक्रम है। और आंकड़ों की राजनीति हम कैसे बदलेंगे? आखिर इस प्रदेश में, वैसे तो बहुत प्रदेशों में है, सारे देश भर में भी हुआ, हम इस देश को, इस प्रदेश को, सारी जनता को एक साथ अपने राष्ट्रीयत्व के भाव को, अपने प्रदेश के भाव को जगा करके चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता, सर वो तो बिल्कुल 2.5 करोड़ जनता आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, जात-पात की राजनीति को खत्म करना खट्टर साहब के लिए भी तो वही विधानसभा देखी जाएगी, ये अनुसूचित जाति है, ये पंजाबी है, खट्टर साहब के लिए भी वही विधानसभा देखी जाएगी जहाँ पंजाबी बहुल होगा। देखिये, ये तो देखा जाएगा, आप भी तो, आपका भी तो टिकट वितरण जो है वो जातिगत समीकरणों के अनुसार ही हो रहा है या होता है। आप चाहते कुछ और है, वो अच्छी बात है, मेरी अच्छी तरीका से वो नहीं, लेकिन तरीका तो वही है। महम के लोगों ने भी कहा, मैं तो दूसरा कह रहा हूँ, महम के लोगों ने कहा आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप वहां नहीं जा रहे। मैं मुझे चॉइस में महम का नाम नहीं लिया, महम में 4 की अपील को आप खारिज कर, 6-7 कार्यक्रम करके आया हूं मैं महम में, मदीना में कार्यक्रम करके आया, मैं वहां निंदाणा में कार्यक्रम करके आया, महम में कार्यक्रम करके आया, फरमाणा में कार्यक्रम किया, ये गांव के स्थान बता रहा हूं जहां बड़ी सभाएं हुई मेरी,
ये सारे महम चौबीसी के गाँव बता रहा हूँ और मेरा जन्म निदाना गाँव का मैं आपको बताऊँ जो महम चौबीसी का ठेठ गाँव है वहाँ मेरे दो कार्यक्रम हुए हैं कुल मिलाकर। बताइए देखिए आप बार बार कह रहे हैं कि शुद्धिकरण करना है और जिक्र खासतौर से ये कह रहे हैं कि वहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मेरी पढ़ाई हुई, इन बातों से संकेत क्या निकलते हैं? मैं पूरे हरियाणा में प्रचार कर रहा हूँ। एक सेकंड खट्टर साहब, मैं पूरे हरियाणा में प्रचार कर रहा हूँ। अगर जिस जाति को जाति का चुनाव तोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं ऐसा क्यों नहीं करते कि जाट बहुल क्षेत्र से किसी यादव को उतार के देखिए, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र से किसी बनिए को उतार के देखिए, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक आप जातिवाद की राजनीति तोड़ेंगे कैसे? आपके जाति दावे तो जाति, दूसरी तरफ धन, हरियाणा के अंदर धन का जो इस्तेमाल होता है, खट्टर साहब आप तो लड़ेंगे कैसे? जनता नेतृत्व की सोच और जनता का व्यवहार ये दो चीजें अलग है। हम भारतीय जनता पार्टी जनता का व्यवहार तो बह गया लहर में। नहीं 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 फर्क होता है, जो जीत रहा होता है जनता उसे जिताती है और जो हार रहा होता है उसे हरा देती है। फिर भी एक जो अंतर होता है, नेता हम जो पार्टी के नाते से मानते हैं, पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं मानते हम, लेकिन जातियों में हम पार्टी के विचार को भेजना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार, अमित शाह ने जो नई टीम भारतीय जनता पार्टी का विचार कहा गया है कि हमने सीधे पकड़ो राजीव भाई, राजीव भाई मंतव्य गंतव्य तो एक ही है राजीव भाई, जनता सामने तो सत्ता है चाहे ऐसे या वैसे। जनता का सामान्य रुख, जो सामान्य लोगों का जो रुख होता है वो स्वजातीय प्रेम, इसमें नकार नहीं सकते। अमित शाह सामान्य जो वोटर होता है उसमें यही कहा गया जेपी नड्डा का बयान है, ये मेरे वर्ग का है, मेरे व्यवसाय का है, को हर जाति को जगह देने की कोशिश की है, मेरी लीडरशिप का है। जब अमित शाह की टीम में हर वर्ग को हर जाति को जगह देने की बात की जाती है तो फिर आप उसको कैसे खारिज कर सकते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, वही मैंने बताया पार्टी के अंदर। आप इस दिशा में सोचते क्यों है कि हमें हर जाति को पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं है, लेकिन तो ये टीम क्या कहती है? लेकिन जनता में तो आज हम जातिवाद एकदम नहीं बिठा पाए ना, जनता में जातिवाद बिटेगा तब मिटेगा। आज जनता सोचती है, जनता देखती है कि हमारी जाति का कौन नेता है, तो जनता को जब साथ के लेके चलना, जनता की भावनाओं के आधार के ऊपर हमको भी ये बात जनता को बताई जाए ना, भाई साहब हम ये तोड़ने के लिए आए और इसलिए आपकी जाति का नेता नहीं है, आप इसे नेता को भेजिए। लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में किसी जाति पाति का कोई ध्यान जनता ने भी नहीं रखा, जनता को जो बताया जनता में लहर आई और जनता खुद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी आप उसे निभाएंगे, लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि आपकी पार्टी के भीतर ये दौड़ लंबी और बड़ी होती जा रही है, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को इस रेस से भी बाहर माना जाता था और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनने लायक कोई नेता नहीं है, ये हमारे विरोधी दल भी कहते थे और कहीं ना कहीं इस स्वर में हम मीडिया के लोग भी स्वर मिलाते थे। अब जब हमारे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम आए हैं, कौन कौन से नाम है आप सब जानते हैं, इन नामों के कारण से अब एक नया विषय शुरू हो गया कि हाँ इतने सारे लोग मुख्यमंत्री दावेदार है, इतने लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये सिर्फ दावेदारी है या फिर दौड़ है? नहीं, नेता अपनी दावेदारी है फील्डिंग में लगे हुए हैं, ना दावेदारी है ना दौड़ है। समर्थकों के द्वारा सामान्यतया होता है कि भी हमारा जो हमारे नजदीक का आदमी है, हमारे नजदीक का नेता है, यही जरा ज्यादा प्रभावी होकर निकले, यही मुख्यमंत्री होकर निकले। नहीं, आप तो संगठन के आदमी है, आप सच बताइएगा कि क्या हरियाणा के अंदर ऐसा कोई व्यक्तित्व है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अच्छा प्रभाव रख सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश का नेता होने का, या जिस तरीके से आप अगर देखो तो सीएम हुड्डा पूरे प्रदेश का, ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखो तो इनेलो के अंदर अभय सिंह चौटाला, आखिर तो देखिए अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला की बात आप कर रहे हैं जिसको कहते हैं कि इनके हाँ उस कद के जिनसे आपकी लड़ाई होने वाली है, इनके यहाँ कद क्या, उसका पुत्र की पार्टियां होती हैं, पिता अपने बेटे को, वो अपने बेटे को, अपने बेटे को, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने वाले चाहे कांग्रेस के लोग रहे हैं चाहे ये पार्टियां रही हैं, इन पार्टियों का कोई लोकतांत्रिक इतिहास नहीं है ना लोकतांत्रिक व्यवहार है। इसमें किसी को भी तय करना, ये पता है कि हाँ भी आज अभय चौटाला मानो मुख्यमंत्री बनता है तो 20 साल के बाद कल को मान लो ऐसा कोई विषय आएगा तो अपने बेटे को लाएगा, इसलिए ये नेहरू खानदान जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ आज तक उसी खानदान के नीचे चले जा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है। जिन पार्टियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और वास्तविक लोकतंत्र जहाँ होता है वहां इस प्रकार की बातें आएंगी, इस प्रकार
कार्यकर्ता समर्थक वो अपने अपने कार्यकर्ताओं कहेंगे ये जो बाहर से जो आ रहे हैं इनेलो से हचका से या कांग्रेस से इनमें से भी हो सकता है कोई सीएम साहब समर्थक कहे उनके समर्थक तो उनके समर्थक या उनकी इच्छा लेकर के चलने में कोई आपत्ति नहीं रख सकते खट्टर साहब समर्थक कहें तब तक ठीक है बात समझी जा सकती है और आप भी वही बात कह रहे हैं लेकिन जब बड़े नेता कहने लगे सार्वजनिक मंच पर तब उसका क्या अर्थ निकाला जाए विजय संकल्प यात्राओं का समापन था जींद में सुषमा जी थी सार्वजनिक मंच पर थी कैप्टन अभिमन्यु पीछे खड़े थे और सुषमा जी ने उनकी तारीफ में कुछ इस तरह से कसीदे पढ़े या ऐसे तारीफ की कि कैप्टन अभिमन्यु में कुशल नेतृत्व है प्रशासनिक क्षमता है विनम्र भी है विनम्र भी है वगैरह वगैरह इसे आप कैसे देखेंगे सर मतलब एक तरीके से उन्होंने हिंट दिया कि ही कैन बी द क्या ये भी समर्थकों का उत्साह है या फिर एक तरह से वो मोहर लगाने का काम कर रही है ये क्या है किसी नेता के द्वारा किसी कार्यकर्ता की प्रशंसा करने का मतलब ये नहीं होता कि भैया उन्होंने कोई ये बना दिया वो कर दिया कर दिया आखिर तो एक नेता कभी किसी एक नेता की प्रशंसा करता है वही नेता दूसरी जगह दूसरे की करता है वही नेता तीसरी जगह जाकर तीसरे की प्रशंसा कर देता है इतने सारे नेताओं की प्रशंसा करने का मतलब सारे मुख्यमंत्री थोड़ी हो गए पर खट्टर साहब आपका तो यही स्थिति है बीजेपी में आपका सीएम कौन होगा अगर ऐसी स्थिति बनती है इसमें तो कोई दो राय नहीं केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा मंत्रिमंडल से भी कोई हो सकता है क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको चाहे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है तो कोई केंद्र से भी ऐसा भी रह सकता है पार्लियामेंट्री बोर्ड जिनको चाहे उनके सामने सारा विश्लेषण है मानो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इस इंटरव्यू के ऊपर नजर उनकी नहीं होगी आखिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी ने इतना अपना इतनी आंखें इतने कान अपने बना रखे हैं कि उनको भरोसा ही नहीं रहा नहीं नहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम होता है कि सारी जानकारियां आखिर नेतृत्व को नहीं पहुंचती हैं तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला कैसे करेगा तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हैं आखिर किस कार्यकर्ता की योग्यता तो राजीव मुझे लगता है कि ये डिसाइड विधायक दल नहीं करेगा नेता वो नहीं करेगा ये केंद्र के द्वारा ही लगभग तय होगा स्थिति थी कि आप नेता नहीं थे और आज स्थिति बन रही है कि नेताओं की ज्यादा संख्या मुश्किल पैदा कर रही है मुश्किल इसलिए नहीं पैदा कर रही ये हम तो इसको पॉजिटिव मानते हैं अपना ये हमारा एसेट है मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कल को 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपनी योग्यता दिखाएं कि हम में से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है तो 90 मुख्यमंत्री अगर योग्य है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसला होने के बाद चौधरी बीरेन सिंह भी मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर फैसला होने के बाद एक आदमी नेता होगा बाकी सब उसके साथ चलेंगे ये हमारा पारिवारिक संस्कार भी क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं मेरा कहना है 90 में से कोई हम उसमें से एक नाम हमने उठा 90 में से आपकी पार्टी के मजबूत सिपाही है लोगों का वो लिस्ट उम्मीदवारों के नाम तय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री इच्छा कितनी पुरानी है और ये दर्द कितने बार बाहर आया आप जानते हैं जो विधायक बन जाएगा वो योग्यता जो मुख्यमंत्री की होती है वो प्राप्त कर लेता है ऐसा नहीं कि नहीं और उसकी योग्यता अपनी जगह लेकिन क्या वो हो सकते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल मिल करके उस समय जो निर्णय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा इसमें मोदी जी का योगदान कितना होगा मोदी जी का योगदान नहीं मोदी आखिर तो बोर्ड में मोदी जी तो है आखिर तो देखिए नहीं बोर्ड में है पार्लियामेंट्री बोर्ड में मोदी जी आखिर तो सलाहकार नहीं, बोर्ड में है अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होते हैं बाकी सब मेंबर होते हैं एक मार्गदर्शन मंडल वो अलग है ये अलग है तो उसमें वो भी मेंबर हैं इतनी बात मैं अवश्य कह सकता हूँ कि आखिर नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदली है और जब राजनीति की दिशा बदलते हैं और उनमें उनका कोई एक विजन है उस विजन को कौन व्यक्ति आगे प्रदेशों में भी आगे उतार सकता यही है यही तो सवाल है हरियाणा में कौन सा रहे खट्टर साहब आपसे सवाल बहुत सारे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इसका निर्णय नरेंद्र मोदी की दिशा में लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहे हैं लेकिन सरकार में आपका वही लोकतंत्र खत्म हो रहा है एक मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और सरकार अपनी तरह से 100 दिन में जो किया है उसका प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन पर जो निशाना साधा है वो ये कि अच्छे दिन कहाँ आए महंगाई आपने कहाँ काबू में करके दिखाई और उनके प्रवक्ता आनंद शर्मा ये कह रहे हैं कि अब राजनीति में एक तरह से अधिनायकवाद आ गया है नरेंद्र मोदी के तौर पर सब कुछ एक जगह केंद्रित हो गया है देखिए पहली बात तो यह है कि ये अधिनायकवाद नहीं है ये सारे सिस्टम को एक दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व के नाते से चलाने का जो विषय है आज तक हमारे देश में
ये ठीक है, लोकतंत्र अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था है, जनता की भागीदारी से सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद उसकी नीतियों को पालन करने के लिए जो छिछलेदारी होती रही है, कल तक जितने एमपी बनते थे एक से एक रूट के खड़े होते थे, मुझे मंत्री बनाओ, मंत्री बनते थे, फिर पार्टियां मंत्रालय में खड़े हो जाती थी, ममता कहती मुझे ये मंत्री दे दो, बंगाल के लोग कहते मुझे ये दे दो, मद्रास के लोग कहते ये दे दो, ये मंत्रालयों की लूटपूट, ये जो सारे विषय थे नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद उन्होंने एक संस्कृति का जन्म दिया कि ये जो सरकार बनाना ये कोई लूट खसोट का मामला नहीं है, एक सेवा का काम है।